नन्ही चींटी जो दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न करता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। बहुत सारे लोग बाल की दवा करते हैं, 1 महीने करके छोड़ते हैं, फायदा लग रहा है। स्किन की दवा करते हैं, 2 महीने 3 महीने फिर छोड़ देते हैं। तो अगर आपके मन में ऐसा आ रहा हो कि छोड़ दें, तो आसपास अपने किसी चींटी को देखिए, आप तो फिर भी इंसान हैं, है कि नहीं? मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं। लिगो में मेलनोसाइट जो है वो मेलानिन कम बनाते हैं, इस पे दाग बनाते हैं। इस प्रोसेस में एक मिनरल बहुत ज़रूरी होता है, वो है कॉपर। तो अगर आप कॉपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा लें, कलर ज़्यादा बनता है। और हम लोग के यहाँ एक पुराना ट्रेडिशन है कि कॉपर के बर्तन में पानी रख के पीजिए, तो आपके बॉडी में ज़्यादा कॉपर पहुँचेगा। तो क्या इससे विटलिगो में फ़ायदा होगा? टेक्निकली तो बात सही है, पर प्रैक्टिकली एक मुश्किल होती है कि जब भी पानी न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल पीएच का ही होता है पानी, तो कॉपर के आयन्स उसमें घुल के आते नहीं। तो अब रात भर जो पानी रखते हैं कॉपर के बर्तन में, उसमें कुछ कॉपर आता नहीं, तो उस पानी को पीने में नॉर्मल पानी रह जाता है। पर अगर ज़रा सा भी उसमें एसिडिटी हो, तो कॉपर के आयन्स डिजॉल्व होकर पानी में आएंगे और तब आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉपर मिलेगा। इसीलिए देखो, कॉपर के बर्तन में अचार नहीं रखा जाता, क्योंकि खट्टी चीज़ें अगर आप रखेंगे तो कॉपर घुल के उसमें आ जाएगा। और बहुत सालों साल रखेंगे तो इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आपको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो कॉपर तभी घुल के आता है जब पीएच एसिडिक होता है। न्यूट्रल पीएच का पानी आप रखेंगे कॉपर के बर्तन में, सुबह पिएंगे तो खास बात है। पहले से सफ़ेद कम हो रहा है, अंग्रेजी में कहावत है कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मतलब कि अगर आप सब चीज़ें थोड़ा 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 करेंगे तो किसी एक चीज़ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। और आप किसी एक चीज़ में मास्टर होना चाहते हैं तो आपकी बाकी चीज़ें छूटेंगी। अगर सचिन तेंदुलकर ने 10th के बाद पढ़ाई ना छोड़ी थी तो तेंदुलकर बन पाता? 12th में बोर्ड देना होता, फिर कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती, कहाँ प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलता, है कि नहीं? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, जहाँ पर कि आपको समाज के लिए समय देना है तो परिवार के लिए आप नहीं दे पाएंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आप। जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास होती है, ब्रांडेड चीज़ें, एसेसरीज, जैसे फ़ोन हो गया या ज्वेलरी हो गई वगैरह, तो ये सब इंसान की वैल्यू को बढ़ाती हैं। पर वैल्यू किसकी बढ़ेगी? जिसकी कम हो। तो हमेशा जिसके पास कॉन्फिडेंस कम होता है, उसे ब्रांडेड एसेसरीज की ज़रूरत होती है। कि वो एप्पल का फ़ोन लेकर के जब हम चलेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ, इंसान में दम है। पर इंसान में सच में दम होता है तो फिर उसे क्या ज़रूरत है? कोई चीज़ उसकी वैल्यू बढ़ा नहीं सकती। तो जितने बड़े लोग हों, जैसे अब्दुल कलाम थे या महात्मा गांधी थे, कोई भी छोटी चीज़ ऐसे लोगों की कीमत नहीं बढ़ा सकती। तो आप देखेंगे कि उनका जीवन बड़ा सादा रहता है, सादा जीवन, उच्च विचार। सीरीज उन्हीं की कीमत बढ़ाती है जिनकी कीमत कम रहती है। ये कह रहा है डॉक्टर साहब का क्लिनिक खुला है कि नहीं आज? खुला है। खुला है? हाँ। तो बैठेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बैठेंगे?